हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करें कि इंस्टाग्राम रील्स को डाउनलोड कैसे करें। जैसे कि आप इंस्टाग्राम से किसी भी रील्स को डाउनलोड करना चाहते हो सीधे अपने मोबाइल फोन की गैलरी में, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाने वाला हूं कि आप इंस्टाग्राम से रील्स को डाउनलोड कैसे करो डायरेक्ट गैलरी में। सो इस वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर लास्ट तक और ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लिया और मैं अपने होम पेज पर आ चुका हूं। अब मैं जो आपको स्टेप बताऊं मेरे साथ साथ करते रहें तो आसानी से आप रील्स को डाउनलोड कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका यूजर नेम है टेक्निकल फ्रेवाद, मेरा पर्सनल अकाउंट है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इस अकाउंट पर फॉलो कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की। देखो, मुझे इंस्टाग्राम से रील्स को डाउनलोड करना है। अब रील्स को डाउनलोड कैसे करोगे पूरा प्रोसेस ध्यान समझना। सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम पर रील्स के सेक्शन को प्ले कर लेना है। देख सकते हैं मैं अपने इंस्टाग्राम के रील्स के सेक्शन में आ चुका हूं। अब आप यहां से किसी की भी रील्स को डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करोगे, म्यूजिक के साथ, ध्यान समझना। जैसे कि मान लेते हैं केदारनाथ वाली रील है जो कि मुझे अच्छी लग रही है, ये मुझे डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल की गैलरी में। कैसे करोगे, देखो नीचे की साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ध्यान समझना। साइड में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शेयर का आइकन, ये शेयर का आइकन आ रहा है, इसकी मदद से आप रील्स को डाउनलोड करोगे। सिंपली आप कोई भी रील देख रहे हो इंस्टाग्राम पर, आपको इस शेयर का आइकन हर रील पर मिलेगा, तो आपको इस शेयर आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस शेयर आइकन पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। देखो बहुत सारे रील्स में क्या होता है कि डायरेक्टली ऑप्शन आता है डाउनलोड करने का। देख सकते हैं ये वाली रील है जिसमें कि डाउनलोड का डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है मेरे लिए, मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ। अब मान लेते ये ऑप्शन आपके में नहीं आ रहा, तो आप कैसे करोगे, तो मैं कोई दूसरी रील निकाल लेता हूँ। देख सकते हैं और कोई रील निकाल लेता हूँ जिस पर ये ऑप्शन नहीं आए। जैसे कि मान लेते मैं और स्क्रॉल करता हूँ, आप देखो देख सकते हैं ये वाली एक रील है जो कि मुझे डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल की गैलरी में। तो कैसे करोगे, यहाँ पर नीचे की साइड में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको शेयर का आइकन है, इस पर क्लिक करना है शेयर आइकन पर। जैसे आप शेयर आइकन पर क्लिक करोगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे में डायरेक्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मान लेते हैं आपके में इसी प्रकार से नहीं आ रहा है। अब आपको डाउनलोड कैसे करना है, देखो नीचे की साइड में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन दिखाई दे कॉपी लिंक, ये ऑप्शन आ रहा है कॉपी लिंक, चौथे नंबर पर ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना कॉपी लिंक, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं आप इंस्टाग्राम से जिस किसी की रील्स को डाउनलोड करना चाहते हो उसका आपको लिंक कॉपी कर लेना, इस प्रकार से मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया। एक बात आपको ध्यान रखना है, किसी की भी रील्स डाउनलोड कर रहे हो शेयर आइकन पर जाओ, उसके बाद उसका लिंक कॉपी कर लेना है। मैंने कॉपी कर लिया। अब आपको बैक आना मोबाइल की स्क्रीन पर, देख सकते हैं मैं बैक आ चुका हूँ। अब आपका इंस्टाग्राम का काम खत्म हो चुका है। आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगा गूगल क्रोम, जो कि हर मोबाइल में आता है, गूगल क्रोम एप्लीकेशन है। सिंपली आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है मैं वो आपको इसी में बताऊं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरा गूगल क्रोम का होम पेज ओपन हो चुका है। इस तरीके से आपको क्रोम ओपन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने सर्च आइकन आ रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको लिखना है इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड, बस आपको इतना लिख के सर्च कर देना है। मैंने क्या लिखा है, इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड, आप इतना लिख के सर्च करोगे बहुत सारी वेबसाइट आएंगे, आप किसी भी वेबसाइट से इंस्टाग्राम रील्स को डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे कि मान लेते फर्स्ट वेबसाइट आ रही है, मैंने इसी पर क्लिक कर दिया। आप किसी भी वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हो, उसके बाद आपके सामने डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गया, ये रहा इंस्टाग्राम रील्स वीडियो डाउनलोड, इस तरीके से आ रहा है। जो आपने लिंक कॉपी किया था वो आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद लिंक को पेस्ट कर दिया। अब आपके सामने ऐड आ गया, ऐड को क्लोज कर देना है। अब जो भी आपकी रील्स होगी आपके सामने डायरेक्टली आ जाएगी, देख सकती हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यही वाली इंस्टाग्राम रील्स थी जो कि मुझे डाउनलोड करनी थी, वो यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुकी है। अब आपको डाउनलोड बटन है, इस पर क्लिक करना है। आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे, फिर से एक ऐड आ गया, ऐड को क्लोज कर देना है। अब आपकी जो इंस्टाग्राम रील्स थी वो सक्सेसफुली आपके मोबाइल में डाउनलोड हो रही है, बस आपको थोड़ा वेट कर लेना। देख सकते हैं यहाँ फाइल सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं आपको गैलरी में ले जाकर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं बस आपको इतना छोटा सा काम करना है। मैं होम पेज पर आ चुका हूँ। अब मैं अपने मोबाइल गैलरी को ओपन कर लिया, मैंने गैलरी में गया, मैंने गैलरी को ओपन कर लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने रील्स डाउनलोड की थी वो ये वाली आ चुकी है, देख सकते हैं। सो दोस्तों यही वाली रील्स थी जो कि मेरे मोबाइल में सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है म्यूजिक के साथ। सो दोस्तों इस प्रकार से आप इंस्टाग्राम से किसी भी रील्स को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाया है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना। कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।